Hello everyone, welcome to our channel Maxwell Study Hub. Okay, so in the previous class we have started our topic for chapter number 4 and we have done with the introduction part and we have done with the water as an agent of erosion. Okay, where we have learned about the erosional work and the positional work of the river of the water, as well as we have studied about the transportation, okay, transportation, how actually the water, the river, okay, transport the eroded material and deposit the same, okay, on somewhere else, on a low-lying area, okay, of a particular region. So today we are going to continue the chapter, okay, and we are going to study about the glacier. Now today we are going to study about the work of the glacier, how glaciers are formed. Okay, today we are going to study about the how glaciers erode the particles, okay, how erosion and deposition work, okay, erosion and deposition work has been carried out by the glaciers. Okay, today we are going to discuss about the transportation of how glacier transport the eroded materials and deposit the same. Okay, तो glacier के बारे में हमने already काफी बार पढ़ा है, काफी बार हमने समझा है कि glacier क्या होता है. ठीक है, जैसे आप सभी को मालूम है कि glacier, आप familiarize हो कि glacier यानी कि बर्फ का चट्टान है, ठीक है, जिन्हें हम glacier बोलते हैं. अब जैसे ईच एंड एवरी फैक्टर, जैसे वाटर हमने सबसे पहला फैक्टर देखा, वाटर हैज एन एजेंट ऑफ इरोजन, हमने फर्स्ट फैक्टर देखा. सिमिलर टू वाटर, हमारा ग्लेशियर हमारा एक अनदर फैक्टर है जिसके वजह से इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन होता है. अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कहा था, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस, कि ईच एंड एवरी एजेंट ऑफ इरोजन, ठीक है, ईच एंड every agent of erosion, okay, will carry out the same process. Which process? Erosion, transportation and even deposition. Okay, har ek factor, chahe wo water ho, chahe wo glacier ho, chahe wo wind ho, ye kya karenge ki ye erosion, transportation and deposition ye carried out karenge. ठीक है, सो अब देखते हैं कि ग्लेशियर का वर्क, ग्लेशियर ये तीन प्रोसेस को कैसे करता है. ठीक है, सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले पढ़ते हैं, द रीजन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्नो. ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले आपको ग्लेशियर के बारे में बताया है, इंट्रोडक्शन करा है टू ग्लेशियर. ठीक है, तो जहां बताया है कि ग्लेशियर कहां फाउंड होते हैं, ग्लेशियर कहां पैदा होते हैं, आपको कहां पाए जाएंगे ग्लेशियर, उस जगह पे पाए जाएंगे जहां का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पे होगा और फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा. ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रेसिपिटेशन को हम बोलते हैं, उस पर्टिकुलर ग्लेशियर को जहां पर ग्लेशियर बनता है वहां हम बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ स्नो होता है. The snow forms a layer on the surface along the slope. This makes glacier move. अब होता क्या है कि इन ये जो particular mountains हैं, अगर हम हिमालय की बात करते हैं, so हिमालय is one of the physical feature of the India. ठीक है, and हिमालय is a mountain which is snow covered. ठीक है, which is snow covered. यानी कि ये mountains के ऊपर glaciers हैं. तो होता क्या है कि इनके स्लोप पे स्नो एक्यूमुलेट होने की वजह से ये ग्लेशियर क्या करते हैं, मूव होना स्टार्ट करते हैं. जैसे आपको मैंने कहा कि वाटर के पास वेलोसिटी होती है स्लोपी रीजन में, और वही वाटर वेलोसिटी की वजह से इरोड करता है और इरोडेड पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट कर एक पर्टिकुलर लो लाइंग एरिया पर डिपॉजिट करेगा. सिमिलरली अगर मैं ग्लेशियर की बात करता हूं, सो ग्लेशियर को भी वेलोसिटी होने के वजह से, वेलोसिटी होने के वजह से ग्लेशियर जो है वो भी स्लोपी रीजन होने के वजह से मूवमेंट अपना स्टार्ट करेगा. ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे वाटर मूव करते वक्त कुछ मटेरियल्स को इरोड करता है, सिमिलरली ग्लेशियर विल ऑल्सो इरोड द सेम मटीरियल. ठीक है, Now, like a river, glacier too carry out work of erosion, transportation and deposition, which I have already discussed about this. Okay, मैंने आपको पहले भी क्लास में कहा कि जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी एजेंट्स ऑफ इरोजन हैं, ईच एंड एवरी एजेंट ऑफ इरोजन जो है वो इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन करेंगे. ठीक है, ग्लेशियर टू इरोड
though the velocity of ice is less, but its mass is more. अब देखो यहां पर क्या होता है, वॉटर इरोड कर रहा है, ठीक है, वॉटर का इरोजन हो रहा है, इवन ग्लेशियर भी इरोजन कर रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों दोनों को अलग अलग में क्लासिफाई किया है, ठीक है, डिवाइड क्यों किया है, बिकॉज वॉटर वेलोसिटी यानी कि स्पीड की वजह से इरोड करता है, ग्लेशियर अपने मास मूवमेंट यानी कि हैवीनेस वेट डेंसिटी ऑफ द ग्लेशियर इज मोर एज कंपेयर टू द वॉटर, ठीक है, सो उसकी वो सिंस ग्लेशियर सॉलिड इन स्टेट में है उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, उसका मास काफी ज्यादा होता है, इसके वजह से वो क्या करता है, मूव होना स्टार्ट हो जाता है और पार्टिकल्स को इरोड करना स्टार्ट करता है, वेयर एज वॉटर क्या करता है, वॉटर वेलोसिटी यानी कि स्पीड की वजह से पार्टिकल्स को इरोड करता है, हेंस ग्लेशियर इरोड इट्स ओन बैंक एंड बेड ऑन अ लार्ज स्केल, इसलिए वो ग्लेशियर सबसे ज्यादा बेड को इरोड करता है, व्हाट इज बेड, बेड यानी कि अ पाथ, ठीक है, फ्रॉम वेयर द एक्चुअल ग्लेशियर विल मूव ऑन, ठीक है, और बैंक बैंक को भी ये करेगा, ठीक है, यानी कि कॉर्नर साइड, ठीक है, जो पर्टिकुलर साइड होंगे, यानी कि ईच एंड एवरी रिवर हैज टू साइड्स, ग्लेशियर के भी टू साइड्स होंगे, तो जितने भी माउंटेन्स के स्लोप से उनको इरोड करेगा वो, ठीक है, और कैसे करेगा, लार्ज स्केल पे होगा ये, the erosional work of a glacier produces landforms, ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि each and every activity of various agent of erosion creates various different types of landforms, ठीक है, जैसे कि वाटर के कुछ इरोजन के वजह से लैंडफॉर्म बन रहा है तो कभी डिपोजिशन के वजह से लैंडफॉर्म बन रहा है, सिमिलरली ग्लेशियर विल क्रिएट सम ऑफ द लैंडफॉर्म्स ड्यू टू इरोजन वर्क एंड सम ऑफ द लैंडफॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन वर्क, ठीक है, अब इरोजनल वर्क यानी इरोजन से कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, सर्किस, ठीक है, आर्ट्रीज, हॉर्न्स, यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली, etc. These all are the landforms which are produced, okay, by the work of a glacier. I have some of the images over here, okay. मैं चाहता हूँ कि आप देखो, देखो horn जो है, ये है horn, ठीक है, यानी कि mountains, आप mountains के ऊपर देख सकते हो कि कैसे वो एकदम sharpen है, ठीक है, blade की तरह एकदम sharpen और एकदम tip of the point पे आप देख सकते हो, ठीक है, so ये है horn. ठीक है, ये ऐसे क्रिएट होते हैं, जिनको कैसा होता है, हॉर्न इसलिए नाम दिया गया है बिकॉज ये शार्पन होते हैं बहुत एज की तरह, आप देख सकते हो कि जैसे जो बहुत सारे जो सिंग होते हैं एनिमल्स के, ठीक है, वो भी कैसे होते हैं कि हिरन के सिंग देखोगे या किसी पर्टिकुलर एनिमल के कोई अगर सिंग देखोगे तो कैसे होते हैं, बहुत सारे सिंग ऐसे भी होते हैं कि जो एकदम एकदम पॉइंटेड होता है, ठीक है, और कैसा होता है कि एकदम शार्प होता है, सो इसलिए ये भी वैसे ही कुछ दिखता है, इसलिए इसे हॉर्न नाम दिया गया है. देन आप देख सकते हो आर्टरी, ठीक है, आर्टरी यानी कि आपके आपके बॉडी में आर्टरीज होते हैं, ठीक है, वेन्स होता है, सो उसकी तरह देखो आप देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है आर्टरी यानी कि जो आप देख सकते हो कि वेसल्स की तरह दिख रहा है हमारे, ठीक है, नर्व्स की तरह दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो ऐसा स्ट्रक्चर उसका बन रहा है इसलिए इसको आर्टरीज बोलते हैं. देन यू कैन सी ओवर योर वी शेप वैली, ठीक है, इट्स रिसेम्बलिंग वी, देख सकते हो आप, ठीक है, वी शेप दिख रहा है ये, तो इसे हम बोलते हैं वी शेप वैली, ठीक है, ये ऐसा वैली है जो वी शेप रिसेम्बल कर रहा है. देन आप इसको देखो हैंगिंग वैली, ठीक है, नाउ द व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वी शेप वैली एंड हैंगिंग वैली इज कि वी शेप वैली जो होता है, ठीक है, वो दो माउंटेन्स के बीच में से, अब हैंगिंग वैली में भी वही है बट हैंगिंग वैली देखो कैसा है कि माउंटेन्स के बीचों बीच में से फ्रॉम द सेंटर ऑफ द माउंटेन यहां से वैली फॉल होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसलिए इन्हें हैंगिंग बोला जाता है, हैंगिंग यानी कि झूल रहा है, लटक रहा है, ठीक है, हैंगिंग, ओके, तो ये है हमारा हैंगिंग वैली, ये था हमारा वी शेप वैली, ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू. अब हमने इरोजनल वर्क ऑफ अ ग्लेशियर देखा, अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियर कैसा होता है, ठीक है, सो द ग्लेशियर कैरी सेडिमेंट नोन एज मोराइंस, ठीक है, अब देखो जियोग्राफिकल टर्म्स अलग अलग यहां पर यूज होंगे और इन जियोग्राफिकल टर्म्स को यूज करके आपको अपने आंसर्स आपके स्टेटमेंट्स लिखने हैं, ओके, तो यहां पर वर्ड यूज किया है मोराइंस, ठीक है, अब जब वाटर जितने भी इरोडेड पार्टिकल्स को कैरी करता है और डिपॉजिट करता है उस पर्टिकुलर पार्ट को हम बोलते हैं एलुवियल, एलुवियल इज नथिंग बट अ फर्टाइल सॉइल, ठीक है, और जहां पर
ग्लेशियर इरोड करता है कुछ पार्टिकल्स को, और ग्लेशियर पार्टिकल्स को इरोड करके लेकर जाता है, कैरी करता है, उसे हम बोलते हैं मोराइंस। ठीक है, नाउ व्हाट इज मोराइन? मोराइन इज नथिंग बट एन इरोडेड पार्टिकल ब्रॉट बाय द ग्लेशियर। ठीक है, इरोडेड पार्टिकल विच आर ब्रॉट बाय द ग्लेशियर। देन मोराइंस आर डिवाइडेड इंटू फोर टाइप्स। अब मोराइंस के चार टाइप है, ठीक है, सब फोर टाइप्स में क्लासिफाइड है, ग्राउंड मोराइंस, लैटरल मीडियल एंड टर्मिनल मोराइंस। ठीक है, ग्राउंड मोराइंस होते हैं जो ग्लेशियर के पर्टिकुलर शीट के नीचे की तरफ जो पाए जाते हैं। ठीक है, देन टर्मिनल या मिडिल, मिडिल यानी कि जो ग्लेशियर के बीचों बीच कुछ सेडिमेंट्स जो होते हैं वो ग्लेशियर थोड़ा सा मेल्ट होने की वजह से बीचों बीच रह जाते हैं। ठीक है, तो उनके यहाँ जो बीचों बीच में जो सेडिमेंट्स रह गए हैं तो उस पर्टिकुलर ग्लेशियर के पार्ट को, उस पर्टिकुलर इरोडेड पार्टिकल्स को आप बोल सकते हो कि मिडिल मोराइन। ठीक है, देन टर्मिनल मोराइन, टर्मिनल मोराइन आर दोज मोराइन, ठीक है, जो फुट हिल्स पे, जो फुट हिल्स पे जो पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम टर्मिनल मोराइन। देन टर्मिनल मोराइन आप फुट हिल्स पे भी पाए जाएंगे और स्टार्टिंग पॉइंट पे भी पाए जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो कि अगर जहां से इरोजन चालू हो रहा है, देखो टर्मिनल्स, ईच एंड एवरी चीज के दो टर्मिनल होता है, एक स्टार्टिंग टर्मिनल होता है और एक एंड टर्मिनल होता है। ओके, सो द डिपोजिशन वर्क ऑफ अ ग्लेशियर प्रोड्यूस लैंडफॉर्म लाइक ड्रम्बलिंग्स, इस्कर्स एक्सेट्रा। अब जो डिपोजिशन वर्क होते हैं ग्लेशियर के, ठीक है, उन डिपोजिटेड ग्लेशियर के वजह से कुछ लैंडफॉर्म प्रोड्यूस होता है अगेन यहाँ पर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रम्बलिंग्स एंड इस्कर्स। ठीक है, दिस बोथ आर द लैंडफॉर्म विच आर प्रोड्यूस बाय द डिपोजिशन वर्क ऑफ अ ग्लेशियर। ठीक है, नाउ आप देख सकते हो मेरे पास है यहाँ पर ड्रम्बलिंग्स, आप देख सकते हो ग्लेशियर यहां पर दिख रहा है आपको, कैसे ग्लेशियर है यहां पर, दिस इज द ड्रम्पलिंग्स। ड्रम्पलिंग्स जो होता है वो ऐसे दिखता है, ठीक है, जहां पर उसका स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है वो स्टॉस एंड बोला है, यानी कि पॉइंटेड नहीं है, नॉट सो शार्प। ठीक है, और एक पर्टिकुलर दूसरा वाला जो जो एंड है उसको टेल एंड बोला है, यानी कि वहां पर वो देखो कैसे एकदम स्लोपी और एकदम स्टीप होकर है। ठीक है, और आइस का फ्लो जो होता है वो आइस का फ्लो दिखाया है कि टेल के टुवर्ड्स आइस का फॉल होता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो पर्टिकुलर ड्रम्बलिंग्स है, दिस इज नथिंग बट दिस इज अ ग्लेशियर। ठीक है, ये एक ग्लेशियर है, ओके, जिसका आपको स्ट्रक्चर बताया है, तो इसे हम बोलते हैं ड्रम्बलिंग्स। ठीक है, और ड्रम्बलिंग्स के बाद आप देख सकते हो इस्कर्स यहां पर है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, दिस इज इस्कर्स। ठीक है, सो ये सारी चीजें ग्लेशियर से बनती है, ओके, दिस ऑल आर द वर्क ऑफ द ग्लेशियर। ठीक है, सो ये यहां पर हमने आज जो टॉपिक कवर किया वो क्या किया, टॉपिक वर्क ऑफ अ ग्लेशियर। ठीक है, यानी ग्लेशियर हैज एन एजेंट ऑफ इरोजन, वेयर वी हैव डिस्कस अबाउट द इरोजनल वर्क ऑफ अ ग्लेशियर, वी हैव डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ ग्लेशियर। ठीक है, एज वेल एज वी हैव डिस्कस अबाउट द डिपोजिशनल वर्क ऑफ अ ग्लेशियर, एंड वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। ठीक है, सच एज हॉर्न, आर्ट्रीज, वी शेप वैली, हैंगिंग वैली, ड्रम्बलिंग्स, इस्कर्स, दिस ऑल आर द लैंडफॉर्म विच आर प्रोड्यूस बाय इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क ऑफ अ ग्लेशियर। ठीक है, सो होप यू ऑल आर क्लियर विद द कंसेप्ट, इफ एनी डाउट्स रिगार्डिंग द कंसेप्ट, ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, आई विल ट्राई टू सीक आउट द सॉल्यूशन फॉर द सेम। ओके, सो तब तक के लिए आप वीडियोस देखिए और इन सारे नोट्स को बनाइए। ठीक है, नोट्स को अच्छे से लिखिए, पढ़िए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे अपकमिंग वीडियो में हम आएंगे आपके साथ वर्क ऑफ अ विंड के साथ, जहां हम वापस विंड के इरोजनल, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन वर्क के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।